नया आया है बाबू उस्ताद तू यहाँ कैसे तू तो भाग निकला था ना आपके मुन्ना की मेहरबानी से उस्ताद मेरा मुन्ना मेरा कोई मुन्ना मुन्ना नहीं वो चिराग को जगने से पहले ही अपनी माँ के साथ बुझ गया था नहीं उस्ताद वो चिराग रोशन है ये तू क्या कह रहा है मैं ठीक कह रहा हूँ उस्ताद आप इधर आइए मैंने भाभी और मुन्ना दोनों को आंखों से देखा है मैंने भाभी से बात भी करना चाहिए उस्ताद लेकिन रोशन लाल ने मुझे रोक लिया रोशन लाल ये कमबख्त अभी तक इस कहानी में जिंदा है हाँ उस्ताद और उसने अपनी भतीजी मधु का खून मेरे हाथों से करवाना चाहा आप यकीन जानिए उस्ताद मैंने उसे जान से मार दिया होता लेकिन आपकी मुन्ना ने उसे बचा लिया क्या कहने हैं आपकी मुन्ना की दलेरी के तो आखिर मेरा चिराग मेरी ही तरह रोशन हुआ मगर मैं बदनसीब उसे देख भी तो नहीं सकता तूने तो देखा होगा पता कैसा है मेरा मुन्ना शक्ल सूरत में बिल्कुल भाभी की तरह दलेरी में एकदम आपका नमूना दो की एक तस्वीर ये है आपका मुन्ना लेकिन मैं उसे ये कभी नहीं देख सकता बाबू तू मुझे बता सकता है मैं उसे कहाँ देख सकता हूँ उसका पता आपको उस्ताद रोशन लाल बता सकता है रोशन लाल मगर मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे नहीं इतनी बड़ी हार कितनी मुकम्मल शिकस्त क्या यह मेरा खत्म नहीं किया जा सकता क्या ये जंजीरें नहीं तोड़ी जा सकती मैं तोड़ दूंगा इन जंजीरों को मैं तोड़ दूंगा इन दीवारों को मैं तोड़ दूंगा जगन्नाथ तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है नहीं अभी रोशनी बाकी है और मैं उस रोशनी को एक बाप के जज्बात लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ रोशनलाल मैं अपने बच्चे को ढूंढ रहा हूँ और तुम मेरी मदद कर सकते हो रोशनलाल हर इमदाद का बदला जाता कीमत जाता मैं हर कीमत देने को तैयार तुमको दो खून करने होंगे दो एक अपने लिए और एक मेरे लिए मैं आज तक मधु को अपने रास्ते से नहीं हटा सका अब उसका खून भी तुम्ही को करना होगा एक और दूसरा राजन तुम्हारा पुराना दुश्मन और मधु का चाहने वाला नहीं मैं अपने बच्चे की तलाश अपने ही बलबूते पे करूंगा और उसे एक दफा देख लेने के बाद अगर गिरफ्तार ना हुआ तो रोशन लाल फिर दो खून होंगे एक तेरा दूसरा राजन का जगन अब तुम नहीं बच सकते इंस्पेक्टर मैं अपने बच्चे को देखने के लिए आया हूं उसको देख लेने के बाद मैं फौरन खुद आ जाऊं नहीं इंस्पेक्टर